नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी पति देव आपका स्वागत करता है। और आज का टॉपिक रहेगा ये मुसीबत की गुड़िया मोबाइल। सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन हर कोई इसे कोस भी रहा है। हर कोई खुद यूज कर रहा है, लेकिन बोलता है नहीं भाई, बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए। तो आज हम जानेंगे क्या ऐसे तरीके हैं जहां हम बच्चों का मोबाइल का यूज बिल्कुल, क्या बंद तो नहीं मैं कह सकता, आजकल के जमाने में बिल्कुल बंद शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन संतुलित कर सकें। क्या इस प्रकार की और कुछ एक्टिविटीज हैं जो करने से शायद हम अपने बच्चों को एक संतुलित जीवन प्रदान कर सकें। एक तो ये रहेगा आज का टॉपिक। दूसरा मैं बताऊंगा बच्चों को कैसे सिखाना है हमें एक का दो और दो का चार करना, ये भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे ये भी नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल बेकार चीज है मोबाइल, कई काम की चीजें भी हैं। और जैसे कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं मोबाइल से ही बन रहा है। अब मजे की बात क्या है कि मैं कैमरे के आगे तो सही चल रहा हूं, लेकिन मुझे अभी ये वीडियो को एडिट करना, काटना छाटना वो सब नहीं आता। वो सब के लिए मैं अभी अपने बेटे की ही हेल्प ले रहा हूं, वो मोबाइल यूज कर रहा है, लेकिन एक अच्छे काम में, जहां पर कि वो कुछ नया सीख भी रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज कैसे उसे यूज कर सके। अब हमें ये तो बहुत अच्छा लगता है कि पूरे मोहल्ले के बच्चे बिल्कुल जो वायरल हो रहे हैं उनके बारे में तो हम अपने बच्चों को बताते हैं, लेकिन अगर हम इतना एक्सपोजर ना दें बच्चे को कि वो कुछ नई चीजें सीख सके, मोबाइल से अच्छी चीजें भी होती हैं, सिर्फ गेम्स ही नहीं है, तो फिर ये उम्मीद रखना बेकार होगा कि वो कुछ अनोखा कुछ नया कर पाएगा। अब वैसे क्रिकेट एक कोहली या धोनी बनते हैं, लेकिन बाकी जो कुछ नहीं कर पाते लास्ट में उनकी सुताई होती है बच्चों की। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कल से हम क्रिकेट ही बंद करा दें सबका। तो हर चीज का एक बैलेंस है तो अच्छी बात है। तो अभी आगे अभी हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हम बच्चों से करवा सकते हैं जहां उनका टाइम एक अच्छे तरीके से पास हो। तो ये तो आप सभी लोग मानते होंगे कि बहुत मुश्किल होता है बच्चे को बिल्कुल मोबाइल से दूर रखना, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बच्चे को कहीं ना कहीं किसी काम में लगा लें जिसके कारण उसका ध्यान थोड़ा बटे और वो कुछ नई चीजें भी सीखे। जैसे कि अभी मैं आपको अपने बेटे के कमरे में लाया हूं, ठीक है। तो ये मेरे बेटे का कमरा है, और अपने कमरे में रहते हुए भी कई काम है ऐसे जो बच्चे कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। अब जैसे आपने आजकल देखा होगा ज्यादातर बच्चे पबजी खेलते रहते हैं, ठीक है। मेरा बेटा भी खेलता है, तो मैंने क्या किया कि पबजी खेलने के साथ साथ एक उसमें ये बंदूक होती है पीछे लगी हुई है ये वाली, तो इसका नाम है Kar 98 बंदूक। तो ये ऐसे ऑनलाइन मिल गई थी मेरे को ये वाली, ठीक है ना। तो ये चलती है, इससे हम निशाने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा उसको, मतलब जो वो खेल रहा है ऑनलाइन हर टाइम खेलने के बजाय, अच्छा है कि सामने कोई एक कोई प्लास्टिक का कैन रख दिया, कोई कोल्ड ड्रिंक का कैन रख दिया, और उससे उस तरह से आराम से वो निशाने की प्रैक्टिस कर लेगा। कुछ नहीं तो वो जो चीज नेट पे कर रहे हैं वो सीधे कर ले, रियल लाइफ का भी पता लगता रहता है, ठीक है। कभी कभी बैडमिंटन खेल लिया, ऐसे किस्मत की बात है कि हमारे घर के बिल्कुल सामने ही बैडमिंटन कोर्ट है। अभी सबके साथ तो नहीं हो पाता, लेकिन हमारे साथ ये किस्मत अच्छी है कि यहीं पर यही सामने ही एक बैडमिंटन कोर्ट है हमारा। यहां से अभी मैं आपको दिखाता हूं, रुकिए। तो ये है दोस्तों वो बैडमिंटन कोर्ट जो मैं कह रहा था, मेरे घर के बिल्कुल सामने है। तो यहाँ भी कभी कभार मेरा बेटा जाके खेल सकता है। और अभी आप सामने एक और ये देख रहे होंगे इधर, है ना, ये तो ये यहाँ पर जब गृह प्रवेश होता है ना कहीं, ये नया घर बना है तो जब कहीं गृह प्रवेश होता है तो इस तरह से पूरा स्वागत द्वार ये नारियल के पत्तों का बना हुआ है, बहुत सुंदर लगता है ये। मतलब तो एक दिन पुराना हो गया लेकिन कल परसों और सुंदर लग रहा था। तो ये कभी डिटेल में बाद में कवर करूंगा। ये जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बादल है, सीढ़ी है, तो ये बादल जैसे हमने जो पैकिंग का फोम आता है उसी से काटा था, फोम को काट के बादल बनाया। एक बादल मैंने बनाया, एक मैंने अपने बेटे से कहा भाई तुम भी बनाओ। फिर ऐसे उसने कहा पापा बादल तो अच्छे लग रहे हैं, सीढ़ी भी लगा देते हैं। तो मैं कहा ठीक है। चलो एक सीढ़ी पड़ी थी इसकी पहले का, ये जो बेड है ना, ये एक्चुअली बंक बेड है, ये एक के ऊपर दूसरा जो लग जाता है तो वैसा वाला बेड है। तो उसकी यहां पर तो जगह काफी थी इस घर में, तो हमने ऐसी बिछा लिया है, ठीक है। तो ये सीढ़ी बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये सीढ़ी यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा डिजाइन सा हो गया। आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये डिजाइन, मतलब थोड़ा बच्चे का भी दिमाग चलाया इसमें, तो इस बात में थोड़ा सीख भी लेते हैं बच्चे। तो एक ये कर दिया हमने, जैसे
फिर एक यहाँ पर जैसे अभी आप पीछे देख रहे हैं ये गिटार पड़ा है यहाँ पर, है ना, ये देखिए। तो ये गिटार अभी कभी कभी मतलब हमेशा तो नहीं सीख रहा था, लेकिन थोड़ा एक दो दिन का जोश तो रहता है ये बच्चों में, तो थोड़ा कभी कभी गिटार बजवा लिया। या ये देखिए सामान, जैसे ये सामान पड़ा है तो बच्चों से और कुछ नहीं तो सामान उठाने को कह दिया। अब ये जैसे जो इसकी टोपी आप देख रहे हैं ये रेंचो स्कूल लिखा है, रेंचो स्कूल लद्दाख, ठीक है ना। तो ये लद्दाख गए थे हम लोग एक बार, तो बच्चों को जितना हो सके थोड़ा घुमाना फिराना, बाहर घुमाना चाहिए, क्योंकि जब नई नई जगह जाते हैं नई नई चीजें सीखते हैं, ठीक है। और कोई हॉबी अगर कुछ परस्यू कर पाए, जैसे बीच में थोड़ा स्विमिंग का जोश चढ़ा तो स्विमिंग करा ली, कभी गिटार बजाने का मन है तो गिटार बजा लिया। अब जैसे आज फिर ये फेंक फूंक के चला गया अपना सामान, तौलिया कहीं पैंट कहीं, ठीक है ना। तो अभी जब आएगा तो आज मैं इससे कहूंगा चल इसको थोड़ा ठीक कर कमरा, ठीक। तो ये वैसे इसका कमरा है इस तरह से, ये यहाँ पर एक इसके लिए टीवी लगा हुआ है, और हालांकि देखता तो हमारे साथ है, लेकिन चलो कभी शायद देख ले। एक बहुत अच्छी आदत आप सिखा सकते हैं बच्चों को, वो है चीजें ऑर्गेनाइज करने की। तो ये बहुत मजेदार चीज दिखा दूं मैं आपको। अब आप कहेंगे फ्रिज तो जनरली हाउसवाइफ का ही काम रहता है ऑर्गेनाइज करने का, लेकिन एक फ्रिज हमने अपने बेटे को दिया हुआ है ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। अभी इसका मजा देखिएगा। तो ये है मेरे बेटे का पर्सनल फ्रिज, जो कि खाने को तो नहीं लेकिन किसी और ही चीज को ठंडा रख रहा है। देखिए अभी आप ये देखिएगा, देखा कैसा लगा कैसा लगा आपको। तो ये जो है ये फ्रिज जो है ये एक पुराना फ्रिज है, बहुत वैसे तो फेंकने ही था, लेकिन इसको भी थोड़ा हमने सोचा चलो एक अपनी अलमारी सजाने की थोड़ा सीखना चाहिए। तो ये इसमें मैं दिखाता हूं आपको अभी। तो इसमें जैसे इसकी किताबें कॉपियां, नीचे थोड़े पहले के बच्चों की तो ऐसी हैं, बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन ये खिलौने विलौने पड़े हैं रिमोट रिमोट, ठीक है। फ्रीजर में देखिए इसमें आइसक्रीम नहीं है, इसमें ये सब इसके पहले के सामान, और ये थोड़े कहीं टिफिन बॉक्स है, कहीं कोई छोटे मोटे खिलौने हैं और पेंसिलें हैं, ठीक है ना। तो ये सब इसके रखा हुआ है यहाँ थोड़ा। ये देखिए ये इसको, ये हमारी एक डायरी नहीं सॉरी डिक्शनरी है, ये देखिए छोटी सी डिक्शनरी। आपके यहाँ किस किस के पास ऐसी डिक्शनरी होगी बताइएगा मुझे, ठीक है। तो ये जैसे डिक्शनरी है बहुत छोटी है लेकिन अच्छी है, और इसमें एक बच्चों को मजा भी आता है नया वर्ड ढूंढने के लिए, एक हम कंपटीशन करते हैं इसमें, ये हमारा गेम भी है एक तरह से कि भाई नए नए वर्ड्स ढूंढो छोटी छोटी डिक्शनरी में, थोड़ा मजा आता है। तो एक काम जो आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए और साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए कर सकते हैं वो है ये छोटा सा काम, देखिए। तो ये एक मैंने यहाँ पर एक डंडा लटका दिया है ऐसे चेन वाला है, ये भी ऑनलाइन लिया था ऐसे, ये देखिए छत से आराम से अपना लटक गया है, पिलर था यहाँ पर घर में, तो ये ऊपर की बीम से अपना लटका दिया है। इसमें लटक के एक तो थोड़ा लंबा भी होता है, एक तो पहाड़ी ऐसे छोटे रह जाते, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा हाइट वाइट भी ठीक ठाक हो जाएगी, कल को कहीं आर्मी आर्मी में जाने का मन कर तो हाइट तो रहनी चाहिए। तो एक ये काम जैसे कर सकते हैं हम। और एक जो मैं कह रहा था कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कैसे एक का दो का चार करते हैं, तो वो मैं बात कर रहा था ये पौधों की, इधर है ना ये पौधे हो गए, जैसे यहाँ भी आप देखेंगे तो ऐसे मेरे यहाँ घर में। अब यहाँ एक लिमिटेशन तो है ही कि भाई ऊपर रह रहे हो तो इतनी जगह तो नहीं मिल पाती, लेकिन मैंने ऐसे ही शुरू में चार पांच पौधे लाया था मैं, और फिर धीरे धीरे गमले एक दो मिट्टी विट्टी इधर उधर से ला के, थोड़ी खाद तो आजकल ऑनलाइन मिल ही जाती है तो खाद ले आए, फिर अभी करते करते पांच से हमने ये देखिए लगभग इतने पौधे कर ही लिए मतलब धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। ये है इधर, ये हमारा थोड़ा इधर को थोड़ा सुंदर सा है, और इसमें ज्यादातर मैं अपने बेटे से कहता हूँ कि पानी वानी डालो थोड़ा, और कैसे एक पौधे की जैसे कटिंग बना के दूसरी बना सकते हो आप, तो ये चीजें भी थोड़ा गार्डनिंग की तरफ भी इस तरह से बच्चे को समझ में आता है अच्छा कैसे है क्या है, थोड़ा नेचर से भी जुड़ता है। अब आप जो लोग पहाड़ों में ऑलरेडी रह रहे हैं वो तो जुड़े हुए हैं ही, लेकिन हमारे जैसे पहाड़ी जो पलायन के कारण इधर आ चुके हैं कहीं दूर दूर गए हुए दूसरे दूसरे शहर में, तो ये कोशिश है कि चलिए जितना हो सके अपने हिसाब से थोड़ा बहुत नेचर से जुड़ने की कोशिश करो, थोड़ा सीखो थोड़ा सिखाओ। आज मैं बनूंगा पहाड़ी जेठालाल और खाऊंगा फाफड़ा जलेबी वड़ा पाव, साथ में पीऊंगा
जीरा सोडा और साथ साथ एक हफ्ते की मिर्ची का अचार फ्री। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।